हेलो एवरीवन, 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे आप सभी का मैं इस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 26 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे और इस बार के प्रश्न 13 मई से लेकर के आज 19 मई 2019 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित रहेगा। दोस्तों, हम लोगों ने यह सिलसिला शुरू किया था 64वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के बाद और हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार करंट अफेयर्स को हल करते आ रहे हैं। अब आने वाला जो समय है वो अति महत्वपूर्ण है। आपका 65वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स 4 महीने के बाद होने वाला है, केवल 4 महीने ही शेष रह गए हैं। आप नए के साथ साथ पुराने वीडियोस का भी रिवीजन करते रहें, अब थकना बिल्कुल मना है। मेरी भी कुछ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट है, एक वीडियो बनाने में लगभग 10 से 15 घंटे की मेहनत लगती है, इसलिए चाहकर भी मैं अभी सप्ताह में 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपका साथ इसी तरह से मिलता रहेगा, आप अपना प्यार इसी तरह से देते रहेंगे। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए, आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। आप लोगों में से कई का ऐसा सुझाव आया है कि स्टैटिक पोर्शन का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, ये लॉन्च होगा जैसे ही आपका 65वीं का नोटिफिकेशन आता है, इसके बाद हम लोग स्टैटिक पोर्शन का भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। इसीलिए नोटिफिकेशन का हम लोग वेट करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा सिलेबस का भी, पैटर्न का भी, कि क्या उसमें पैटर्न यूपीएससी स्तर का होने वाला है, क्या सीसेट उसमें रहेगा, ये सारा चीज क्लैरिटी होगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस संस्था ने हाल ही में पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने। पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट यानी नेशनल डेब्ट से जूझ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर करीब 27.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान इस तरह अब कर्ज हेतु निर्धारित उच्चतम सीमा को भी पार कर चुका है। IMF ने अप्रैल 2019 में यह अनुमान जारी किया था कि साल 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा GDP के 7.9% तक चला जाएगा और साल 19-20 में यह बढ़कर 8.7% हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये UPSC पैटर्न का है। आपने न्यूज में सुना तो होगा ही कि BPSC का इस बार का जो 65वीं होने वाला है, हो सकता है ये UPSC पैटर्न का हो। तो हमने इसी को सोचते हुए इस बार के करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में कुछ UPSC पैटर्न के करंट अफेयर्स बनाए हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। IPL 2019 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सफल टीम है। मुंबई इंडियंस ने चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराया, चौथी बार। IPL का यह 11वां सीजन था और चेन्नई सुपर किंग्स का यह 8वां फाइनल था। कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि चौथी बार नहीं बल्कि तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराया है। मुंबई इंडियंस वैसे 5 बार फाइनल में पहुंची है, 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है और 1 बार 2017 में पुणे को हराया, हालांकि वो भी धोनी की ही टीम थी। IPL का यह 11वां नहीं बल्कि 12वां सीजन था। त्रिशूर पूरम उत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह केरल का वार्षिक उत्सव है। हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। देवी दुर्गा और भगवान विष्णु को यह उत्सव समर्पित है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि देवी दुर्गा की तो उपासना होती है लेकिन भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान शिव की, यानी देवी दुर्गा और भगवान शिव को ये उत्सव समर्पित है। पद्मश्री हीरा लाल यादव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनका संबंध पेंटिंग से था। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये वाराणसी क्षेत्र के रहने वाले थे। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये पहला गलत है, क्योंकि इसका संबंध पेंटिंग से नहीं बल्कि बिरहा गायन से था। इनका
12 मई 2019 को वाराणसी में निधन हो गया। ये 93 वर्ष के थे, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। इन्फोसिस फाउंडेशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक एनजीओ है। यह फाउंडेशन शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति तथा निराश्रितों की देखभाल के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का समर्थन करता है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसका पंजीकरण रद्द करने की घोषणा की है। इसके खिलाफ, नियमों के खिलाफ जाकर विदेशी चंदा प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, यानी सभी कथन सही है, कोई भी गलत कथन नहीं है। यह फाउंडेशन शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण भारत में स्कूलों के साथ फाउंडेशन पार्टनर्स और कम उम्र के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। किस बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों में इक्विटी निवेश हेतु 700 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष यानी वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड अभी तक दूसरे कोषों में योगदान करता है। नाबार्ड द्वारा यह पहली बार है जब इसने अपना कोष पेश किया है। यह कोष नाबार्ड की अनुषंगी कंपनी नैब वेंचर्स ने पेश किया है। इस कोष का नाम है नैब वेंचर्स फंड वन। नाबार्ड द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ओवर सब्सक्रिप्शन हेतु 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का भी विकल्प है, यानी कि कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल। डीआरडीओ ने 13 मई 2019 को कहां पर अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? यही है, देखिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के चांदीपुर में अभ्यास ड्रोन को एक ऑटो पायलट की मदद से स्वतंत्र उड़ान हेतु डिजाइन किया गया है। इसके नेविगेशन के लिए देश में ही विकसित माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है। अभ्यास ड्रोन एक छोटे गैस टरबाइन इंजन का काम करता है। यह MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। डीआरडीओ के अनुसार यह एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को यह मजबूत करेगा। नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के एक विश्लेषण के अनुसार चांद लगभग 150 फुट तक सिकुड़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए भी सही है क्योंकि भूकंप में वृद्धि हो गई है, और डी भी सही है क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास चंद्र बेसिन मारे फ्रिग्रोरियस में दरार पैदा हो रही है। ये दोनों गलत है। नासा द्वारा 12,000 से अधिक तस्वीरों के विश्लेषण से यह जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि चंद्रमा का आकार विभिन्न कारणों से सिकुड़ रहा है। यह भी संभावना जताई गई है कि लाखों साल पहले हुई भूगर्भीय गतिविधियां आज भी जारी है। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? यही है, इनका क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, GS लक्ष्मी। 14 मई 2019 को वह तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। मूल रूप से यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। साल 2008 से 2009 में पहली बार घरेलू महिला क्रिकेट में मैच रेफरी की भूमिका इन्होंने निभाई थी। ऑस्ट्रेलिया की इलोइस सेरिडन ICC के अंपायरों में डेवलपमेंट पैनल में ऑस्ट्रेलिया के पोलोसोक के साथ जुड़ेंगी। इस तरह से इस पैनल में महिलाओं की संख्या 7 हो गई है। इस पैनल में लॉरेन एगेनबाग, किम कॉटन, शिवानी मिश्रा, सू रेडफर्न, मैरी वाल्ड्रॉन, जैकलिन विलियम्स सहित शामिल अन्य महिला अधिकारी हैं। इस पैनल में शामिल होने वाली पहली अंपायर कैथी क्रॉस थी, जिन्होंने साल 2018 में संन्यास ले लिया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 14 मई 2019 को देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोषित अवशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवशिष्ट जल के इस्तेमाल पर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को। मात्र 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष 3 महीने के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो 18 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और दो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दादरा एवं नगर हवेली और पुडुचेरी। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में रुद्राक्ष वृक्ष लगाने हेतु 31 पक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इनमें कौन शामिल नहीं, यानी तीन जो पक्ष है इसमें कौन शामिल नहीं है, ये देखिए, रुद्राक्ष का पेड़ और गंगा नदी के किनारे, ये होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेक्स। इंटेक्स नहीं है, बाकी तीनों है। ये है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे नमामि गंगे भी कहते हैं, HCL फाउंडेशन और इंटेक। तो ये उत्तराखंड राज्य में गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाला है। रुद्राक्ष एक प्रकार का बीज होता है, इसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। ये बीज मुख्य रूप से भारत और नेपाल के कार्बनिक आभूषणों और माला के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रुद्राक्ष अर्धकीमती पत्थरों के समान मूल्यवान होते हैं। 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें लोगों को रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा बेरोजगारी भी कुछ हद तक दूर होगा। चंद्रयान 2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अभियान में GSLV मार्क 4 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाएगा। इस यान में 3 मॉड्यूल हैं, विशिष्ट हिस्से, ऑर्बिटर जिसको कहते हैं, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए 12 भारतीय पेलोड लगाया जाएगा और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पैसिव एक्सपेरिमेंट यानी उपकरण शामिल किया जाएगा। कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहला गलत है और तीसरा गलत है, बाकी सही है। तो इसमें GSLV मार्क 4 नहीं बल्कि मार्क 3 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल होगा और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए 12 नहीं बल्कि 13 भारतीय पायलट का इस्तेमाल होगा। तो 13 कहां कहां लगेंगे, 8 लगेंगे ये ऑर्बिटर पर, 3 लगेंगे लैंडर पर और 2 लगेंगे रोवर पर। नासा इस मॉड्यूल के जरिए धरती और चांद की दूरी को नापने का भी प्रयास करेगा, ये जो नासा का भी एक यंत्र लगने वाला है। लॉन्च डेट क्या है, जुलाई 2019 में लॉन्च होगा और 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की इसकी संभावना है। किस देश ने हाल ही में संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हालांकि कार्यकारी आदेश में किसी भी कंपनी का विशेष रूप से नाम नहीं रखा गया है, विश्लेषकों के अनुसार यह आदेश चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआई, जिसका लोगो आप यहां देख रहे हैं, के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रशासन अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध बनाने हेतु अमेरिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में कमजोरी पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अनुसार दुरुपयोग करने वाले विदेशी दुश्मनों से अमेरिका की करने के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे वो अवश्य उठाएंगे। हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इगोर स्टीमैक, यही है। ये क्रोएशिया के रहने वाले हैं, इनके साथ 2 साल का अनुबंध किया गया है। इगोर स्टीमैक इससे पहले क्रोएशिया को 15 महीने की कोचिंग दे चुके हैं। वे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की जगह लेंगे जो इससे पहले मुख्य कोच थे। कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इरफान पठान। इरफान पठान अगर CPL की नीलामी में खरीद लिए जाते हैं तो किसी बड़ी विदेशी T20 लीग में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन जाएंगे। नीलामी के लिए तैयार 20 देशों के कुल 536 खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में इरफान पठान को शामिल किया गया है। अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला पायलट कौन बन गए हैं, ये देखिए, वो एयरक्राफ्ट है और यही है, वो भारत की है, क्या नाम है इनका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरोही पंडित। ये 23 साल की हैं, इन्होंने 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने छोटे से एयरक्राफ्ट के साथ कनाडा के नुनावुट में इकालुइट हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान ग्रीनलैंड और आइसलैंड में भी रुकी थी। इसके साथ ही ग्रीनलैंड आइस कैप के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली महिला सोलो फ्लाइट पायलट भी ये बन गई है।
इसके लिए आरोही पंडित ने 7 महीने की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने कई बार खराब से खराब मौसम में सागर के ऊपर उड़ान भरकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। आरोही ने इससे पहले पंजाब, राजस्थान, गुजरात के ऊपर उड़ान भरी और पाकिस्तान भी गई थी, वहां पर विमान भी उतारा था। इसी के साथ वह 1947 के बाद पड़ोसी देश में LSA जहाज लैंड करने वाली पहली नागरिक बनी थी। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, ताइवान। ताइवान की संसद में समलैंगिक विवाह को लेकर यह वोटिंग यहां की संवैधानिक कोर्ट के उस आदेश के 2 साल बाद हुई है, जिसमें अदालत ने विवाह से संबंधित मौजूदा कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यह कानून एक महिला और पुरुष के बीच शादी को ही वैधानिक मानता था। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड। नीदरलैंड को साल 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। समलैंगिक विवाह नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मान्य है। विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे 2019 का थीम क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यह प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा समाज में आए सामाजिक परिवर्तन से लोगों को परिचित कराना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। इसको हिंदी में कहें तो मानकीकरण की खाई को पाटना। 17 मई 2019 को मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM क्या हो गया? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना DRDO और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? देखिए उसी की यह तस्वीर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, इजराइल। कोच्ची और चेन्नई के पश्चिमी समुद्री तट पर यह हुआ है। यह मिसाइलें 70 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती हैं। परीक्षण में पाया गया है कि यह मिसाइल लड़ाकू विमान को भी नष्ट कर सकती हैं तथा सटीक वार करने में सक्षम है। वर्तमान में इन मिसाइलों की सुविधा केवल चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट किस राज्य में मौजूद है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भारत का 35% ग्रेफाइट मौजूद है। और कौन है ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट? जम्मू कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु और उड़ीसा। एकमात्र यह नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट सूचना है कि एकमात्र नॉन मेटल है जो बिजली का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट अपने चिकना महसूस के लिए एक शुष्क स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट के कई औद्योगिक उपयोग हैं, विशेष रूप से ऐसे उत्पादों के लिए जिनमें बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। विजन 2021 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे SBI ने जारी किया है। इसका संबंध ई पेमेंट सिस्टम से है। इसका कार्यान्वयन 2019-21 से 2 साल के लिए किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसे SEBI ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जारी किया है। इससे डिजिटल लेनदेन 4 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। इस राज्य के पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान चेहरे पर केक लगाने, देखिए तस्वीर में, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है। राज्य का नाम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, गुजरात, और यह सूरत में हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश सिर्फ ऐतिहासिक कदम नहीं था ताकि अनहोनी घटनाओं को होने से रोका जा सके। सूरत के पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने कहा कि पुलिस को वास्तव में ऐसी घटनाओं की शिकायत मिली थी, हालांकि कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE के खिलाफ प्रतिबंध कितने और साल के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया? प्रतिबंध तो पहले से भी लागू था और इसको एक्सटेंड कर दिया, कितने साल के लिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, 5 साल के लिए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम
अधिनियम 1967 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। गृह मंत्रालय ने मंगलवार 14 मई 2019 को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि लिट्टे की ओर से जारी हिंसा एवं विध्वंसकारी गतिविधियां भारत की एकता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है। इसमें कहा गया है कि संगठन भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। ह्यूमन टिश्यू की मैपिंग करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में किस नाम से पहल आरंभ किया गया है, नाम बताना है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मानव नाम से पहल है। फुल नेम इसका है मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। मानव शरीर के हर हिस्से की मैपिंग करके एटलस उन भूमिकाओं को समझने में मदद करेगा जो टिश्यू निभाती है और सेल्स जो रोगों से जुड़ी होती है। परियोजना के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दो संस्थानों नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में 13 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर अब तक की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली, ये देखिए उसकी तस्वीर कहाँ पर बनाई गई है। सही जवाब है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, जवाब इसी में है ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिल्कुल, ये गांधी मैदान की तस्वीर है, यहीं पर यह बनाया गया था। मैदान के मध्य में बनाया जा रहे रंगोली को एक बार में देखना मुश्किल था, ऐसे में गांधी मैदान में बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी। ड्रोन कैमरे से रंगोली की तस्वीर ली गई जिसे स्क्रीन पर लगातार दिखाया गया। आयोजकों का मानना है कि इस रंगोली को 41,600 वर्ग मीटर में बनाया गया है। ये फिगर को याद रखिएगा, 41,600 वर्ग मीटर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रंगोली थी। इस रंगोली को देखने के लिए 14 मई को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया था। हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन को एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। और इतिहास में यानी भारतीय निर्वाचन के इतिहास में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। कोलकाता में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के जवाब में यह कदम उठाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। यानी निर्वाचन, यानी ये अनुच्छेद को बिल्कुल याद रखना है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग को पावर मिलता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। नियमानुसार चुनाव शुक्रवार 17 मई शाम 5 बजे बंद होना था, लेकिन यह 16 मई गुरुवार को ही रात 10 बजे ही खत्म हो गया। यानी टोटल 19 घंटे का कटौती किया गया। किस कलाकार ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा वायलिन बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? ये देखिए कितनी छोटी है, हाथ के अंदर ये समा रही है, उंगली के अंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मटेवाड़ा अजय कुमार। ये 45 वर्ष के हैं और इसमें सोना कितना लगा है, 1 ग्राम से भी कम, 740 मिलीग्राम। और वायलिन की लंबाई कितनी है, मात्र 20 मिलीमीटर। इसमें 4 तार स्टील के बने हैं, इन्हें पूरा करने में उन्हें करीब 12 घंटे लगे हैं। पिछले साल एक सुई के छेद में मोम का उपयोग करके दांडी मार्च के लिए उनके चित्रण ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया था। मटेवाड़ा अजय कुमार ने ही इसे बनाया था। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी और उनके साथ 7 स्वतंत्रता सेनानियों की सूक्ष्म मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी प्रभावित किया था। किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, पर सभी भाषाओं में रोक लगा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन के ऑनलाइन सेंसरशिप तंत्र जिसे ग्रेट फायरवॉल कहा जाता है देश में बड़ी संख्या में विदेशी साइटों को अवरुद्ध करता है, जैसे कि गूगल, फेसबुक और न्यूयॉर्क टाइम्स। विकिपीडिया के सभी संस्करणों को अवरुद्ध करने के लिए नवीनतम कदम को ऑनलाइन अनुवाद टूल से जोड़ा जा सकता है, जो चीनी उपयोगकर्ताओं को विकिपीडिया पर कुछ भी पढ़ने के लिए आसान बनाता है। और इधर हाल ही में श्रीलंका ने भी बैन किया था सोशल मीडिया पर, राइट हो गया था कोलंबो में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन विकिपीडिया चीन ने बैन किया है। भारत ने हाल ही में किस देश को 2 MiG-24 हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? ये देखिए उसकी तस्वीर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
अफगानिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवाद से लड़ने के लिए युद्धग्रस्त देश की क्षमता को बढ़ाने में मदद करने के लिए। बेलारूस से ये हेलीकॉप्टर भारत ने खरीदे थे। हेलीकॉप्टरों को एक आधिकारिक समारोह में अफगान वायुसेना को सौंप दिया गया। अंतिम प्रश्न है, बिहार का पहला संक्रमण मुक्त अस्पताल यानी इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीएमसीएच पटना। यह बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पर राज्य के कोने कोने से अत्यंत गंभीर मरीज आते हैं। इनसे अस्पताल में संक्रमण फैलने की यानी इन्फेक्शन फैलने की आशंका बनी रहती है, इसीलिए अस्पताल में संक्रमण को नियंत्रित करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक इसकी सुविधा है। अस्पतालों में सर्जरी के बाद निकलने वाले मानव अंग रक्त संक्रमण इन्फेक्शन का कारण बनता है। अगर सही तरीके से इसका निष्पादन नहीं किया गया तो अस्पतालों में संक्रमण फैल जाता है। नई मशीन की विशेषता है कि इसके अंदर से एक विशेष रासायनिक तत्व हमेशा निकलता रहता है जो वातावरण में फैले संक्रमण को खत्म कर देता है। इससे अस्पताल का वातावरण हमेशा स्वच्छ बना रहता है। संक्रमण रोकने वाली मशीन के आसपास जैसे ही संक्रमण पैदा होता है वह शुरुआती दौर में ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और भी लोगों तक बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।